VW की जेटा, आउटसाइड टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, बाहर का क्लाइमेट, और एसी चालू है, कूलिंग टेम्परेचर 16.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ रहा है, यानी बहुत स्लो कूलिंग हो रहा है। इसका क्या प्रॉब्लम है हम इसको चेक करके आपको बता रहे हैं। जैसा कि देखें आप, एसी अभी बंद है, टेम्परेचर लगभग 70 पे है, धीरे धीरे ड्रॉप हो रहा है, पर 40-50 के 55 ही रहता है, जिसकी वजह से क्लीन नहीं हो रहा है। और इसमें एक कंप्रेसर में कंट्रोल वाल दिया हुआ रहता है, उसी का फॉल्ट है कंप्रेसर के अंदर, क्योंकि ये पंपिंग नहीं बना रहा है, इसकी वजह से क्लीन भी नहीं हो रहा है। गैस वगैरह सब बराबर है, गैस में कोई फॉल्ट नहीं है, खोलने के बाद फिर हेलो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये है कंट्रोल वाल जेटा का, हम इसको निकाल रहे हैं, निकालने के बाद फिर देखते हैं क्या फॉल्ट है इसमें। सड़ा हुआ दिख रहा है, हम इसमें दूसरा वाल रिप्लेस करके फिर आपको दिखा रहे हैं। हेलो गाइस, जैसा कि देख रहे हैं आप, ये नया कंट्रोल वाल है जो कि हम इसमें फिटिंग करने जा रहे हैं, और ये जूना है और ये नया है, इसमें हम फिटिंग करने जा रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, ये फिटिंग हो चुका है, सिर्फ इसमें लॉक लगाना बाकी है, और लॉक लगा के गाड़ी चालू करके गैस चार्जिंग करके फिर आपको दिखाएंगे। भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, फिटिंग हो चुका है, और इसका सक्शन प्रेशर देखो, 15-20-25 पे आ चुका है, यानी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है अभी, और अंदर कूलिंग देखते हैं कितना है। जैसे कि देख रहे हैं, कूलिंग प्रॉपर हो चुका है, एसी चालू है, और कूलिंग टेम्परेचर 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ चुका है, यानी सभी सिस्टम प्रॉपर हो चुका है। हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले, प्लीज 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 प्लीज, प्लीज, प्लीज।